হরে কৃষ্ণ। গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে আমরা যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি এই স্থানের নাম বংশীবট। আমরা গোবিন্দদেবকে দর্শন করার পর ব্রহ্মকুণ্ডে আচমন করে আমরা গোপীশ্বর মহাদেবকে দর্শন প্রণাম করে আমরা এখানে এসেছি। এখানে যে কৃষ্ণের সর্বোচ্চ লীলা রাসলীলা আর কামদেবের প্রতি কৃষ্ণের কাম বিজয় লীলা স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এইখানের মহিমা সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রথমে শ্রীধর মহারাজ এখানকার মহিমা বর্ণন করে শোনাবেন। শ্রীধর মহারাজ আওয়াজ আ রি হরে কৃষ্ণ ওম জ্ঞান নিরন্ধস্য জ্ঞানার্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতম যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় ইষ্টদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ বলা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরি বল জোর করকে হরে গুরু বৈষ্ণব কে আনুগত্য মে শ্রীধাম ব্রজমন্ডল পরিক্রমা করতে করতে অভি যে স্থান পর উপস্থিত হুয়ে হ্যাঁ এ স্থান কা নাম বংশীবট হ্যাঁ। আর কৃষ্ণ এই পর উনকা যো সর্বতম যো লীলা শ্রী রাসলীলা কৃষ্ণ এই পর ও রাসলীলা কো উনহনে কি থি। ইসলিয়ে শ্রী রূপ গোস্বামী কহতে হ্যাঁ বিশেষ করকে কৃষ্ণ কে চারি মাধুর্য হ্যাঁ। চারি মাধুর্য মে যো প্রথম মাধুর্য হ্যাঁ বলে সর্বাদ্ভুত চমৎকার লীলা কল্লোলবারি থি অতুল মাধুর্য প্রেম মণ্ডিত প্রিয় মণ্ডলম ত্রিজগত মানসাকর্ষি মুরলী কলকুজিত অসোমনার্ধরূপ শ্রী ভীষ্মাপীতম চরাচরম। শ্রী রূপ গোস্বামী কহতে হ্যাঁ ইনকে যো চারি মাধুর্য মে যো পহিলা মাধুর্য হ্যাঁ ইনকে লীলা মাধুর্য কে লীলা মাধুর্য যদ্যপি ইসলিয়ে কৃষ্ণ কহতে বলে সন্তি যদ্যপি মে লীলা প্রাচ্যম মনোহরা কে যদ্যপি মেরে বহুত সারি লীলা হ্যাঁ লেকিন নাহি জানি স্মৃতি রাসে মন মে কি দৃশ্য ভাবে কে সারে লীলা মে মেরে যো রাস লীলা জব মে রাস লীলা কে বিষয় মে সোচতা হু না পতা নেই মেরা মন মে কিয়া হো জাতা মেরে কো পতা নেই চলতা ये रासलीला को स्मरण करते करते। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जय जय ज्वल रस सर्व रस सार कर किया भावे जा प्रसार। इसलिए जय जय रासलीला सर्व रस सार। इसलिए रासलीला जो भगवान की सारी लीलाओं में ये मुकुटमणि ये रासलीला है। कहते भैया रासलीला का मतलब क्या है ये रास शब्द सुनते है ना लोग मंदिर पता नहीं मैंने क्या क्या होने लग जाता है। कहते क्या कृष्ण सब पराया सब लड़की को गोपियों को लेकर कृष्ण क्या क्या सब नाच नचे। बोले ये गोपियां कोई साधारण नहीं है ये गोपियां कोई साधारण लड़की नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिर एव निज रूप कला तया भी। ये गोपियां और कहीं नहीं कृष्ण की अभिन्न स्वरूप राधा रानी की एक एक भाव ही एक एक गोपी मूर्ति धारण किया है। इसलिए कोई लड़कियां नहीं। इसलिए उदाहरण देते हैं अगर मैं स्वयं अपना रूप पे इसे पकड़ लूं उसमें कोई दोष है। इसलिए कृष्ण और किसी को साथ में लीला नहीं कर रहे कृष्ण कृष्ण को साथ में ही कृष्ण स्वयं लीला कर रहे हैं। ये गोपियां और कोई है नहीं। और जो दूसरे जो गोपियां हैं ये भी कोई साधारण नहीं। कुछ तो दंडकारण्य के जो ऋषि है भगवान राम जब दंडकारण्य में गए उसी समय फिर बड़े कठोर तपस्या कर रही थी गोपाल मंत्र के द्वारा लेकिन उनको सिद्धि नहीं हो रही थी।
लेकिन राम और श्याम एक ही। अभी राम को देखकर उनको श्याम की याद आई, इतने में रामचंद्र को पतिरूप में प्रार्थना के बोले नहीं, इसी अवतार में नहीं, कृष्ण अवतार में तुमको सब गोपी बन करके आओ। कुछ श्रुति चरी, कुछ की जो श्रुतियों का जो मंत्र, ये लोग भी कठोर तपस्या की। जब कृष्ण संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो, बोले आपको गोपी भाव से, बोले नहीं हो सकता है और किसी चीज को प्रार्थना करो, बोले नहीं हमें चाहिए तो केवल गोपी भाव से चाहिए। बोले ठीक है, तुम सबके सब वृंदावन में गोपी रूप में तुम सबके सब जन्म ग्रहण करो। इसलिए ये श्रुतियों का कुछ मंत्र ये स्वयं ये गोपी रूप धारण करते हुए, और कुछ जनकपुरी के हैं, जनकपुरी के जो नारियां सीता की जो सखियां, बस रामचंद्र जो 11,000 साल तक उन्होंने जो यज्ञ किया है, हर साल एक एक सीता मूर्ति बनाया करते थे। बोले भैया उस तरह सीता गए कहां, ये सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आए, ये और कोई नहीं, इस सब के सब आनंद चिन्हमय रस की ये प्रतिभाविता की मूर्ति है। इसलिए जो रास शब्द, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये रास मतलब क्या है, बोले रसानाम समूह इति रास। ये रास मतलब यहाँ रस की समूह, उन्होंने रास का 10 तरह का उन्होंने अर्थ बताए। कहते नृत्य भी कला, नाचना गाना, आपस आपस में लीला करना, बड़े सुंदर, इस सब चीज को उन्होंने रास शब्द बोले है। इसलिए रास कोई गंदी चीज नहीं है, लेकिन चूंकि हम गंदे हैं, हमारी मन गंदी है, इसलिए वो रास शब्द सुनते अरे क्या किया सब गोपियों को लेकर किया, उन्हें नाचना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी मन गंदी है। अगर इसमें अगर गंदी चीज होता तो शंकर आप गोपीश्वर महादेव देख करके आए ना, कृष्णा जब रास किया शंकर स्वयं गोपी बन करके आए, शंकर स्वयं ब्रह्मा भी गोपी रूप में प्राप्त करने के लिए वो भी तपस्या कर रहे हैं, उद्धव भी इनके चरण की एक धूल को उद्धव भी प्रार्थना कर रहे हैं, नारद भी गोपी बन करके उनकी सेवा करना चाहते हैं। हम लोग ना, हम लोग सन्यास का मंत्र क्या है, गोपी मंत्र है, हम भी एक भी गोपी रूप में हम भी प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, हैं? इसलिए इसलिए गोपी चीज कोई गंदी चीज नहीं। गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को अपना इंद्रियों के द्वारा जो पान करते हैं गोपी हैं। गोप रक्षण बा गोप पालन है, बोले संपूर्ण इंद्रियों को देख करके कृष्ण इंद्रियों को जो पालन करते हैं ये गोपी है, ये कोई साधारण ये स्त्री नहीं। इसलिए जो रास लीला है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं रास लीला सर्वोत्तम लीला है। कहते भागवत में जो दसम स्कंधों को बताया कृष्ण का मुखारविंद है, लेकिन दसम स्कंध मुखारविंद, लेकिन उसमें उसमें हंसी क्या है, बोले रास लीला। इसलिए भागवत का सार दसम स्कंध का सार रास लीला, और रास लीला में सर्वश्रेष्ठ कहते रास लीला को बताए ये पंच प्राण है, जैसे शरीर है, अगर शरीर हो अगर उसमें प्राण नहीं हो तो बेकार है, उसी तरह जो पंच प्राण उसमें जो पांच अध्याय, वो पांच अध्याय नहीं, कहते ये पंच प्राण है। मतलब भागवत से अगर रास लीला को निकाल दिया ना, भागवत जीरो है। भागवत क्यों, शरीर में अगर प्राण नहीं तो उसका क्या महत्व है। इसलिए रास लीला की जो सर्वश्रेष्ठता, जहां पर कृष्ण सब जगह में एक बात को उन्होंने बड़ा प्रतिज्ञा पूर्वक उन्होंने बताया, क्या बात को, बोले ये जथा माम प्रबदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, मेरे को जिस रूप में आराधना करते हैं मैं भी उसको उसी रूप में आराधना करता हूँ। लेकिन उनका प्रतिज्ञा कहाँ पर जाकर टूट गया, जब उन्होंने रास लीला में आए गोपियों की भावना, उनकी जो त्याग कृष्ण का प्रति प्रेम को देख करके, कृष्ण कहते गोपियां न पा रहे अम निरबद्ध संजुजाम सुसाधु कृत विधाय सा भी वो, हे गोपियां ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं कभी तुम्हारी ऋणी को मैं कभी उऋणी हो ही नहीं सकता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती उदाहरण देते हैं, कहते कोई पहलवान था सब जगह में डीग हांकता था, क्या हो तो आओ मेरे हाथ में दो हाथ कर लो सब जगह में, लेकिन जहाँ एक सर ना कहीं सवा सर मिल जाती है, कृष्ण एक सर के थे लेकिन कोई व्यक्ति एक सर का था कहीं ना कहीं सवा सर मिल जाता है, किसने सवा सर मिली है, जब सवा सर डीग हांक रहा था आओ कोई हो तो मेरे साथ में युद्ध करो, उसने क्या किया, युद्ध की बात अलग है, उसने केवल हाथ को हाथ में मिला और दबा ऐसे मारे एक झटका तो उनको अपना चरण में गिरा दिया, उसने कहा भैया मैं तेरे पार नहीं पाऊंगा, मैं हार गया तेरे में पार नहीं पाऊंगा। ये एक सर वाले कौन, बोले कृष्ण, बोले सवा सर वाले कौन, बोले ब्रज गोपियां, जहां पर डीग हांकते थे कृष्ण जी जथामाम प्रबोधन थे, लेकिन जब गोपी प्रेम के सामने आए ना
कृष्ण भी कांप गए, भैया न पा रहे अहम निरबद्ध संजुजाम, मैं कभी तुम्हारी ऋणी को समय कभी उरुणी में बनी नहीं सकता हूँ। इसलिए जो रास लीला है श्रील सुखदेव गोस्वामी भागवत में जहाँ जहाँ उन्होंने किसी मधुर लीला को उन्होंने बोले है ना, लेकिन सबसे पहले एक श्लोक को जरूर वो बोलते हैं, सावधान कर देते हैं। इसलिए रासलीला से पहले जब सुखदेव गोस्वामी रासलीला की प्रारंभ करते हैं, जो एक श्लोक जो उच्चारण कर रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बोले क्या है, बोले भगवान अपि तारात्री सरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरान्त मनश्चक्रे जोग मायां समाश्रिता। इसलिए सर्वप्रथम जो श्लोक है बोले भगवान, बोले सावधान जो रास रचा है ना वो भगवान है, ये कोई जीव रास नहीं रचा रहे, ये भगवान रास रचा रहे, जो सर्व ऐश्वर्य का जो मालिक है वो रास कर रहे हैं। इसलिए रास रचया कोई साधारण जीव कोई रास नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्री श्री सुखदेव गोस्वामी बस श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये जो रास शब्द उन्होंने चार ही शब्द को उन्होंने प्रयोग करते हैं। पहला शब्द है जोग मायांग मुपाश्रिता, बोले कृष्ण जो रास कर रहे हैं किसको आश्रय करते हुए, बोले महामाया को नहीं, उन्होंने जोग माया को आश्रय करते हुए वो रास लीला कर रहे हैं। दूसरा बोले आत्मा राम अपि अरि रमत, कृष्ण कौन है, बोले ये आत्मा राम है जो अपना आत्मा में जो रमण करने वाले सर्व काम सर्व गुण संपन्न व पूर्ण है, लेकिन पूर्ण होते हुए भी आत्मा राम अपि अरि रमत, वो आत्मा में रमण करते हुए पूर्ण ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण से पूर्ण मादा है, तो पूर्ण होते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, अरि रमत, तभी वो रमण कर रहे हैं। बल अवरुद्ध सौरत, अवरुद्ध सौरत मतलब जो स्वयं संपूर्ण काम को जो कंट्रोल किया है। इसलिए जब कृष्ण बंसुरी बजाए जब ब्रज गोपी आई ना, कृष्ण क्या कहते हैं, अच्छी बात है आए वो, ये जंगल की शोभा देखो और वापस चले जाओ, सुबह देख रहे वापस चली जाओ, मतलब कृष्ण कोई काम को थोड़ा आसक्ति नहीं है, इसलिए सारे काम को जो कंट्रोल करके रखे हैं। इसलिए आत्मा राम अभी अरिवत, और क्या शब्द है, कहते मनमथ मनमथ, कृष्ण मदन का मन को जो मथ न करने वाले, इसलिए उसी दिन तीर्थ महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे थे। इसलिए एक समय कामदेव का बड़ा अभिमान हुआ है, बोले क्या अभिमान हुआ, बोले विश्व ब्रह्मांड को मैंने नचा करके रख दिया। ये जो साधु देख रहे ना, बोले नहीं हम तो काम को जीत गए, देखो साधुओं को, बोले सब काम को जीत गए, बोले काम को जीते नहीं, कामदेव कहते हैं मैंने ऐसे उनको बाण छोड़ा ना, कोई एक टिकी कोई दो चोटी कोई तीन चोटी, इनको देखने से पता चलता है ये काम से डरते हुए साधु बने। इसलिए काम से डरते हुए सबके सब घर बार छोड़ करके साधु क्यों बने, बोले कामदेव की प्रहार से उनकी डर से सबके सब साधु बने। इसलिए मैंने किसी को इसी दुनिया में छोड़ा नहीं, ब्रह्मा भी अपना बेटी के प्रति आसक्ति होकर भागे, शंकर जी कभी उन्होंने भगवान को मोहिनी रूप में देखने के लिए इच्छा की, भगवान ने मना किया, शंकर जी ये मेरी जो रूप है ना कामियों को मुग्ध करने के लिए तुम मत देखा करो, सहन नहीं कर सकते, बोले क्या बोल रहे हो, मैं जोगी जोगी महाजोगी सत्यम शिवम सुंदरम मैं नहीं कर सकता हूँ। इतने में एक दिन शंकर जी त्रिशूल गाड़ करके पार्वती बड़ी सुंदरी गोद में लेकर बैठे हुए थे, इतने में मोहिनी एक सुंदर कुंज रूप कुंज से भगवान मोहिनी रूप लेकर के एक कुंज से प्रकट होते, एक गेंद को उछालते हुए, इतने में गेंद को उछालते हुए जब आए इतने में उनका बख्या स्थल से कपड़ा हट गया, इतने में जो मोहिनी थी उसने थोड़ी सी ऐसे किया, पार्वती बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी है लेकिन पार्वती बैठी हुई है, लेकिन भगवान के मोहिनी रूप देख करके जहाँ त्रिशूल गाड़ देते ना कहीं जाते नहीं, धक्का मार करके पार्वती को फेंक दिए और उन्होंने मोहिनी को पीछे भगे और उन्होंने आलिंगन कर लिया, देखा मोहिनी वहां नहीं और दूसरे इधर आओ, शंकर जी को पूरा नंगे हो गए, शंकर जी कहां त्रिशूल कहां डम्बरू कहां कपड़े पता ही नहीं, शंकर जी नंगे होकर घूम रहे बन में। थोड़ी देर बाद में शंकर जी ने देखा भैया ये क्या है, मैं नंगे होकर घूम रहा हूँ, उनने सोचा शायद किसने ये चीज को देखा नहीं, शंकर जी आए और चुपचाप बैठ गए। इतने भगवान आए बोले क्यों, बोले बाबा क्या बात है, शंकर जी बोले प्रभु मैं तो सोच रहा था माया को जीत पाऊंगा लेकिन
मेरा अभिमान है, लेकिन भगवान की दो माया, बहिर्गत माया, अंदर स्वरूप भूता माया है। कहते मैंने जो माया के प्रति आसक्ति हुआ, बहिर्गत माया नहीं, अब तो अपना माया से दुनिया को ये बता सकता हूँ, अगर माया को कोई जीत सकता है भगवान के बल और कोई नहीं, मैं तो माया में बसे होता हूँ। इसलिए मैंने मेनका को, कहते से विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, मेनका की चरण की नुपुर की झंकार से सारे भजन भजन खत्म, उनको लेकर गृहस्थ बना दिया। इंद्र को अहल्या के प्रति हमने पागल बनाकर के पता नहीं कितना दुर्गति भोगना पड़ा, बोले विश्व ब्रह्मांड को मैंने बसीबू तो किया, लेकिन एक व्यक्ति का बोले बाकी रह गया, बोले कृष्ण। बोले बस कृष्ण के हाथ में दो हाथ हो जाए ना, फिर दुनिया का मालिक मैं बन जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कृष्ण को भी चुनौती देते है, आओ मेरे साथ में दो हाथ कर लो। बोले कब? बोले द्वापर युग में जब मैंने 70 करोड़ गोपियों को लेकर के मैं रास रचाऊंगा तभी तुम आ जाना। कामदेव तो हंसते हंसते चले गए। बोले क्या, जब 70 करोड़ गोपियों को साथ में रास करोगे तभी मेरे साथ में युद्ध करोगे? ये गोपियां कितने सुंदर हैं। वो कहते हैं पृथ्वी में जितने स्त्रियां सारे सुंदरता को एकत्रित कर लो, कहते गंधर्व को साथ में बराबर है, जितने स्वर्ग में जितना अरंभा उर्वशा मेनका इनकी सुंदरता एकत्रित कर दो, कहते एक लक्ष्मी के साथ में उदाहरण होता है, सारे लक्ष्मी की सुंदरता को एकत्रित करो ना, वो केवल एक गोपियों को साथ में। इसलिए कृष्ण उनको सुमध्यमा बोलकर संबोधन करते हैं, सुमध्यमा बोलकर के। लेकिन ये गोपियों की सारे सौंदर्य एकत्रित करना, राधा रानी की चरण की नख की एक छटा में इनकी सारे सौंदर्य समा जाती है। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कृष्ण जब उन्होंने रास रचा रहे थे, पर कृष्ण रास रचा रहे थे, उन्होंने कामदेव को बोले कामदेव आ जाओ। कामदेव ने अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के आ गए। बोले आप युद्ध करोगे? अब क्या युद्ध, ऑलरेडी अब हारे हो। बोले हारे क्या? बोले योद्धा बाकबाणी प्रयोग नहीं करता, अपना अस्त्र दिखाता। दिखाओ तेरे पास में क्या अस्त्र शस्त्र थे, दिखाओ तेरे पास में। इतने में कामदेव ने वहां पर अपना उठाया, कहते उनके पास में 5 अस्त्र है, सनमोहन उच्चाटन शोषण स्तंभन करके उनकी 6 बाण है। कितना? 5 बाण ना, कहते उनका 5 बाण है, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा और शंकर के ऊपर में केवल 1 बाण उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन उन्होंने देखा, लगता है ये योद्धा ज्यादा बलवान दिख रहा है, इसलिए एक साथ में उनको पुष्प के धनुष के ऊपर में उन्होंने एक साथ में उन्होंने 5 बाण को उन्होंने खेचा, कान तक उन्होंने खेच करके जब प्रयोग किया, बोले वहां का समय क्या है? बोले भगवान अपि तारात्री शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया उपासिता। वहां वर्णना कर रहे क्या स्थिति है, बोले एक साथ में जुई बेली चमेली सारे फूल चारों तरफ में खिले हुए। तारात्री मतलब इसका 3 अर्थ, श्री विश्वनाथ 3 अर्थ बता, मतलब 3 अर्थ बताते हैं, 3-4 अर्थ बताते हैं, गोपियों को जो वरदान दिया था। दूसरी एक साथ में कृष्ण सेवा करने के लिए 6 ऋतु जहां पर एक साथ में प्रकट हुआ, ता मतलब रास कितने उम्र को गोपियों की हुई, बोले जब तक कैसर वयस नहीं हो तब रास नहीं हो सकती है, जिस समय उनकी पूर्ण कौशल अवस्था, कृष्ण कैसर राधा कौशल किशोरी अवस्था है, उस समय पूर्ण जवन निका है, संपूर्ण रूप में पूरा रात के 12 बजे चंद्रमा किरण छिटक रहे हैं और कलकल नाद से जमुना बह रहे, चारी तरफ में केवल अकेले काम उद्दीपक सारे वस्तु, यहाँ पर काम उद्दीपक सारे वस्तु था। उसी समय 6-5 बाण को जब उन्होंने प्रयोग किया, इतने में कृष्ण जितने गोपियों के साथ में रास कर रहे थे उनने सारे रास को एक साथ में परित्याग करके गोपियों को केवल राधा रानी को लेकर चले गए। कामदेव तो अक्के बक्के चक्के हो गए, भैया बड़ा बड़ा बाणी काम नहीं किया, सब गोपियों को छोड़ दिया। बोले और एक मौका है। बोले कौन? बोले आपके साथ में श्री राधा रानी जो सर्व लक्ष्मी मई अभी भी है। फिर कामदेव जब बाण मारे, श्याम सुंदर श्री राधा रानी को भी परित्याग करके श्याम सुंदर चले जाते हैं। बोले और बाण है? बोले प्रभु मेरा सारे बाण समाप्त हो गया। कृष्ण ने कहा अभी मेरे बाण को तुम सहन करो, मैं पहला मौका तो तेरे को दिया, अभी दूसरा मौका मेरा है। क्या मौका? उनका बाण किया भ्रूर, इनका जो भ्रूर यही बाण है, तेरे से चितवन किया है, कहते इनका तीर है। बोले अभी तुम संभालो। और कृष्ण का जो कंदर्प कोटि कमनीय जो विशेष शोभा है, कृष्ण का जो कोटि कंदर्प जो रूप है, कृष्ण जब एक साथ में कोटि कंदर्प रूप को उन्होंने प्रयोग किए, एक बार तिरछी चितवन से देखे और मीठी मीठी मुस्कुराहट, उनकी तिरछी चितवन ने तीर है,
पूरा कामदेव का इस पार से उस पार हो गया और कामदेव वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। इतने में रति देवी आगे बोली, प्रभु मेरे पति को अपने मार डाले, मेरे पति को प्राण दान दो। जब कृष्ण उनको पुनः प्राण दान दिए, कामदेव कहते प्रभु मुझे भी अपना चरण किए की दासी बना दो, अपनी चरण किए हमें दासी बना दो आप। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया, यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामी टीकाकर पहला टीकाकर कहते हैं जो रास लीला नहीं कृष्ण की ये काम विजय लीला है, जो उन्होंने काम के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया, ये लीला इनकी है, है? लेकिन ये क्या, एक समय मैंने ये कथा कभी मथुरा में सुनाया, मैंने कहा रास लीला है, कहते कृष्ण ने काम विजय लीला किया ये इसलिए रास लीला। गुरुदेव ने कहा ये जीरो है, ये मार्ग ये जीरो है। फिर हमने पूछा गुरुदेव फिर रासलीला की असली तात्पर्य क्या है, बोले रासलीला करने का असली तात्पर्य है कृष्ण कैसे संपूर्ण रूप में ब्रज गोपियों के चरण में कैसे संपूर्ण रूप में अपना परास्त को स्वीकार किया। बोले भुज दंड गृहित कंठा है लब्धा शिशम जब ब्रज सुंदरी नाम, जहाँ को उद्धव जी जब ब्रज में आए, जब उन्हें गोपियों की माधुर्य को दर्शन किया, दर्शन करते ही उद्धव जो इनकी महिमा गाते हैं कि देखो नायम श्रीअंगम नित्यातः रतहि प्रसादे, जो सौभाग्य को लक्ष्मी भी प्राप्त नहीं कर पाई, जिस सौभाग्य को स्वर्ग के हैं जो वामन देव का जो लक्ष्मी जिनके शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है, जो सौभाग्य उन्हें भी प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है, वो सौभाग्य उन्होंने ब्रज गोपियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। भुज दंड गृहित कंठा, गुरुदेव ने कहा जैसे एक छोटा बच्चा जैसे पिताजी माताजी को पास में जब कोई चीज को प्रार्थना करना चाहती है ना, वो क्या करता है, मैया को गलवनिया लगा देते, बोले मैया मेरे को दे दे, मैया मेरे को दे दे ये चीज, उसी तरह ये गोपियां रास छोड़कर के चली नहीं जाए, कृष्ण स्वयं जिनका हाथ इतने सुंदर हाथ है कृष्ण का, जिन्होंने गोपियों के गले में गलवेनिया दे करके, हे गोपियां तुम रास छोड़कर के मत जाओ, अगर तुम चले जाओगे ना फिर रास का सारे रस ही समाप्त हो जाएगा। अभी हमारे उत्तम प्रभु बड़े भजन सुंदर गा रहे थे ना, जहाँ पर कृष्ण चले जाने पर कृष्ण कैसे, राधा रानी चले जाने पर कृष्ण कैसे रो रो करके कुंज में बैठ कर कृष्ण कैसे रो रहे हैं, कहाँ चले गए, कहाँ तुम चली गई हो। गुरुदेव ने बताया रास लीला संपूर्ण रूप में ब्रज गोपियों को राधा जी के प्रेम में ये संपूर्ण जो बसीभूत है ये रास लीला, जहाँ पर वो परात्पर सर्व कारण का कारण होते हुए भी कैसे उन्होंने कृष्ण चरण में संपूर्ण बसीभूत है, और जिसमें गोपियां कहती हैं नापारा अहम निरबद्ध संयुजाम, कृष्ण जहां पर कहते हैं मैं तुम्हारी ऋणी से कभी चुक ऋणी से ऋणी हो ही नहीं सकता हूँ, और जहां पर राधा रानी को ढूंढते ढूंढते कहते ना अनयाराधित अनुनम भगवान हरीश्वर, ये जितने ब्रज गोपियों में सर्वश्रेष्ठ रूप में राधा रानी की जो प्रेम सर्वोत्तम प्रेम है, यह चीज को यहाँ पर स्थापन करते हैं। जब भी स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ बहुत तरह का गोपियां हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ राधा जी की प्रेम ही सर्वोत्तम है, जहाँ कृष्ण जिनको अकेला लेकर जाते, इसमें राधा रानी की महिमा जिसमें स्थापन की गई। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ लीला हरे कृष्ण, ये सर्वश्रेष्ठ लीला है, हम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आए हैं, ये जो स्थान है ये ब्रज गोपियों की चरण धूलि से संपूर्ण अभिषिक्त है, जहाँ पर रासेश्वरी स्वयं राधा रानी जितने रास में सबके सब थे, कृष्ण भी थे वहां पर तटस्थ पिप्पल के सबके सब थे, लेकिन राधा रानी जब छोड़ देती है ना रास टूट जाती है, रास टूट जाती है रास लीला, इसलिए ये स्थली राधा ब्रज गोपियों की चरण धूलि के द्वारा अभिषिक्त ये स्थान की बड़ी महत्व है। हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ चरण धूली को स्पर्श करे, प्रार्थना करे, एक ना एक दिन, इसलिए कहते ना श्रीरास मंडले निजुक्त करामाए और ललिता सखीर अजोग्या की करी विनोद धारी जे भाई, भक्तिमय ठाकुर कहते कब ऐसे सौभाग्य होगा जो कि हम ये रास मंडल में कभी प्रवेश करते हुए प्रिया प्रियतम की सेवा कर सके। वंशा कल कृपा सिंधु।